देश के 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आए। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अपनी सरकार गवा दी। मध्य प्रदेश में उम्मीद से कहीं कम नंबर आए तो वहीं मिजोरम में महज एक सीट आई। लेकिन तेलंगाना चुनाव में मिली जीत कांग्रेस के लिए एकमात्र खुशखबरी रही। तेलंगाना में भी सरकार बनने से पहले ही अंदरूनी कलह सतह पर आ गया है। मुख्यमंत्री बनने के लिए आपसी रस्सा कस्सी देखी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का नाम काफी जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए तय कर दिया गया है। लेकिन खबरों के मुताबिक तेलंगाना के 5 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने रेड्डी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि सीएम पद का फैसला करने वाली बैठक इसी बवाल की भेंट चढ़ गई थी। बैठक में एक मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री सहित कई फॉर्मूलों पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी आ गई। अब काफी मान मनोवल के बाद रेवंत रेड्डी का नाम तो फाइनल हो गया है, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती अंदरूनी कलह होगी, जो सरकार बनने से पहले ही सामने आ चुकी। आपको बता देते हैं कि वो कौन से 5 नेता हैं जो रेवंत रेड्डी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। मल्लू भट्टी विक्रमार्क। तेलंगाना की भंग हुई दूसरी विधानसभा में ये कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे। वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने रेवंत रेड्डी का विरोध किया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक फिलहाल उन्हें मना लिया गया है, लेकिन कब तक ये बड़ा सवाल है। रेवंत रेड्डी का विरोध करने वाले दूसरे बड़े नेता हैं उत्तम कुमार रेड्डी। रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कार्य समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं। इन चुनावों में वो लड़े भी थे और जीत कर विधानसभा पहुंचे। तीसरा बड़ा नाम जो रेवंत रेड्डी के खिलाफत में खड़ा है वो है दामोदर राज नरसिम्हा। वो अविभाजित आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे कांग्रेस का दलित चेहरा है और राज्य के मेडक जिले से आते हैं। अंडोल सीट से चुनाव जीत कर वो विधानसभा में पहुंचे। वो पहली बार इसी सीट से 1989 में जीते थे। रेवंत रेड्डी सरकार के लिए एक और बड़ी चुनौती होंगे श्रीधर बाबू। तेलंगाना बनने से पहले आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान मंत्री रह चुके हैं। वो इस बार मंथनी से जीते हैं। बतौर विधायक वो 5वीं बार चुनाव जीते। वे तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। कर्नाटक के इंचार्ज सेक्रेटरी रह चुके हैं। पेशे से वकील हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके हैं। मुनु गोडे से जीतकर विधानसभा पहुंचे राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल। वो भी रेवंत रेड्डी के खिलाफ खुलकर आ चुके हैं। वे नलगोंडा जिले से आते हैं। उनके बड़े भाई कोमाटी वेंकट रेड्डी पहले मंत्री रह चुके हैं। दोनों भाइयों को तेलंगाना की राजनीति में कोमाटी रेड्डी बंधु के तौर पर जाना जाता है। चर्चा है कि रेड्डी बंधुओं ने भी रेवंत की उम्मीदवारी का विरोध किया है। बता दें कि इन 5 नेताओं ने CLP की बैठक का भी विरोध किया था और उसमें शामिल नहीं हुए थे। इनका साफ कहना था कि जब तक CM के पद पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, CLP की बैठक का कोई औचित्य नहीं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष खड़गे और पूरे आलाकमान ने फिलहाल इस क्राइसिस को मैनेज कर लिया है, लेकिन छात्र जीवन में ABVP से जुड़े रहे रेवंत रेड्डी के लिए आगे की राह आसान नहीं होने जा रही। इन 5 बड़े नेताओं को मैनेज करना टेढ़ी खीर होगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।